बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ आर्ट्स जनरल मैथ, और आज आप लोगों का सेकंड वीक है और सेकंड वीक का फर्स्ट लेक्चर। यूनिट आपका वन ही है, लेकिन हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे उनमें 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। 1.1 में आपके परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में, और इसी तरह डेसिमल को परसेंटेज और फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, और 1.2 में आपकी परसेंटेज को आपकी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स में यूज़ हो रहा था उसको किया था। अब आपका आज के लेक्चर में जो टॉपिक है आपको नज़र आ रहा होगा, रेशो। रेशो दैट मीन्स के परसेंटेज ख़त्म हो गया, यह टॉपिक आ गया रेशो। रेशो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपको वो भी नज़र आ रही है 1.3। यहाँ पर पहले उसके पेजेस में तो इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, लेकिन जो आपकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज इन मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स एंड द सिंबल फॉर रेशियो इज दिस। दैट मीन्स के टू पॉइंट्स, जिसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो इसे कॉलम्स बोला जाता है, यानी दो ऊपर नीचे जो डॉट्स होते हैं इसे कॉलम बोला जाता है, लेकिन जबकि ये मैथ में रेशो बोला जाता है। और रेशो की है कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज मेजर इन लाइक यूनिट, यानी आपकी कोई कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। अगर हम दो स्टूडेंट्स की वेट को कंसिडर करें तो दोनों के वेट को ही कंपैरिजन कर दिया जाए, या अगर किसी के दो स्टूडेंट्स के हाइट को किया जाए तो दोनों की हाइट हो। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए आटा कितना यूज़ हो रहा है और नान बनाते हुए आटा कितना यूज़ हो रहा है, तो सेम दैट मीन्स की सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक तरफ आप मिल्क ले रहे हो और दूसरी तरफ आपके पास ग्राम्स में चीज़ और एक तरफ लीटर में है, तो इस तरह कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन करने के लिए आपका सेम क्वांटिटी का होना ज़रूरी है, और वो यूनिट भी सेम हो, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दिया क्या है कि इसका सिंबल ये है। रेशो जो है उसकी एग्जांपल उन्होंने आपको नीचे शो की हुई है। यहाँ पे ये सिक्स सर्कल्स बनाए हुए हैं, इसमें से फोर सर्कल जो है वो ब्लैक है और टू वाइट है। तो उन्होंने आपको एग्जांपल नीचे दिखी हुई है, ये 2/3, यानी सिक्स में से टू जो है वो वाइट है, लेकिन अगर हम आपको इसको 2/3 सिक्स को देखे जाए तो 2 और 6 में इवन नंबर है, यानी आपके पास एक नंबर है। आप इसकी लोअर टर्म में लेके जाए, दैट मीन्स कि अगर आप इस ग्रुप को इतने ग्रुप को कंसीडर करें तो आपके पास 3 सर्कल्स हैं और 1 वाइट है और 2 ब्लैक है, और यही चीज़ आपकी दोबारा इसमें रिपीट हो रही है। तो ये जो आपकी बेसिक होती है कि वो 3 आपके पास सर्कल्स हैं, 1 वाइट है और 2 ब्लैक है, ये आपकी बेस है। इसी तरह आप अपने सर्कल्स को बढ़ा दें, 6 हो गए, 4 ब्लैक हो जाएंगे, 2 वाइट हो जाएंगे, इसी तरह 9 कर देंगे तो आपके पास 3 वाइट हो जाएंगे और 6 ब्लैक हो जाएंगे, तो वो उससे आगे आगे चलता जाएगा। लेकिन जो बेस होगी वही वो 1 × 3 है, तो वो आपकी जो असल जो लोएस्ट टर्म होती है उसे हम रेशो बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे उन्होंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको रेशो को एक्सप्लेन किया गया है, इसकी आप रीडिंग खुद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई, और आप एग्जाम्पल में बता देते हैं, सिंप्लीफाई द रेशो 8/12 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 8/12 को फ्रैक्शन 8/12 में अगर आप उसे देखें तो 4 कॉमन था, दोनों वैल्यूज़ को उन्होंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 2/3। अब 2 और 3 को आप किसी भी एक नंबर पे, यानी 2 से या 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये इसकी लॉस्ट टर्म है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 12 में भी 24 और 12 है, तो आपने इसे 12 से डिवाइड किया तो 2 × 1 रह गया, ठीक है। ये आपके रेशो को सिंप्लीफाई करने की एग्जांपल थी। उसके बाद आपके पास 2 वर्ड्स हैं, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन द रेशो ए एंड बी। अगर आपकी रेशो जो है वो ए रेशो बी लिखी हो तो ए को आप एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये याद रखिएगा कि आपकी जो ए वैल्यू है वो आपको फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर, और जो बी वैल्यू है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बोला जाता है, और जबकि रेशो में इसे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, रेशो हैज़ नो यूनिट्स। तो आप जब रेशो में फॉर्म में लिखते हैं
जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 ml एंड 200 ml, तो जब आप रेशो में लिखेंगे तो ये ml के वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे, सिंपली लिखा जाएगा। ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ द जूस इन द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ द जूस इन जग, ये इनकी क्वांटिटीज थी, ये फ्रैक्शन में लिखी और ये रेशो में लिखी। ना फ्रैक्शन में यूनिट वैल्यू लिखी गई, ना रेशो में यूनिट वैल्यू लिखी जाए। तो इसमें ये याद रखिएगा कि रेशो के साथ यूनिट वैल्यू नहीं लिखी जाती। एक और पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ द रेशो, ये याद रखिएगा कि रेशो का ऑर्डर है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। जो आपकी ए की वैल्यू है वो ए ही रहेगी और जो वैल्यू बी की है वो बी भी रहेगी। और रेशो जब बोला जाता है तो बोला जाता है रेशो फ्रॉम ए टू बी इज ए इंटू बी, ठीक है। और आप इसकी ए की वैल्यू को बी या बी की वैल्यू को ए नहीं कर सकते। रेशो व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज और इंक्रीज, अगर आपने रेशो को में कोई भी वैल्यू अगर आपने उनमें इंक्रीज करना है तो दोनों वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट को, और अगर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ को डिक्रीज़ किया जाएगा। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कर रही है तो दोनों वैल्यूज़ को हम डिक्रीज़ कर रहे थे। एग्जांपल में भी था, पहले एग्जांपल में 4 से डिवाइड किया तो दोनों को डिक्रीज़ किया, और सेकेंड एग्जाम्पल में 12 से डिवाइड किया तो दोनों को डिक्रीज़ किया। तो ये याद रखिएगा, या इंक्रीज़ दोनों होते हैं या डिक्रीज़ दोनों के दोनों। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लिखी हुई है और इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट स्पेंड्स 70 rupees पर एवरी डे और बट ऑन संडे स्पेंड 20 rupees ओनली। तो हमने उसकी रेशो मालूम करनी है कि आम डे और संडे के हिसाब से, तो 20 into 70 2/7 लिख दिया गया और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर दी, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है 40 बुक्स इन द रेशो 5/4, बट वुड इज द नंबर ऑफ इंक्रीज नंबर। आप उन्होंने कहा है कि इंक्रीज करना है आपके जो बुक्स है नंबर ऑफ बुक्स में, तो रेशो जो दी गई हुई है वो 5 into 4 है, तो आपने इंक्रीज करना है दोनों की दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 और वर्क कट कर दिया तो यहाँ पर 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 50। अगर आपने डिनोमिनेटर को 40 कर रहे हैं तो उसका न्यूमिनेटर 50 हो जाएगा, ठीक है। ये थी एग्जांपल। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3, फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन लोअर टर्म। यहाँ पर आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, एक तो सबसे पहले उनके साथ यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको लोअर टर्म में लेके जाएंगे। मैं इन 6 में से कोई से 2 कर दूंगी और बाकी आपके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं, और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का एक फर्स्ट पार्ट और एक लास्ट पार्ट, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर रेशो और जब आप रेशो में लिखेंगे तो 24 रेशो का साइन और 6। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 24 और 6 किस में आते हैं। 6 ones are 6, 2 12, 3 18, 4 24। दैट मीन्स कि ये दोनों 6 के टेबल पे कट हो सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा 4 into 1, ठीक। और अगर इस क्वेश्चन को करें तो रेशो है 150 रेशो का साइन 275। और अगर आप वो से देखें तो आप इसकी लोएस्ट टर्म में 5 5 से डिवाइड करते हैं, चाहे तो 5 5 से कर लेते हैं। वैसे तो 25 के टेबल पे भी हो सकता है और डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हम 5 से करते हैं तो ये 30 देन 5 और 5, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर 6। इसे हमने 5 से डिवाइड किया, दैट मीन्स ये मैं मेंशन कर देती हूँ 5 से किया। अब यहाँ पे 30 को फिर 5 से कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 11। अब ये 6 और 11 जो है को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कि जिन्हें हम किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि 11 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर्स है, तो ये इनकी लोएस्ट टर्म है, ठीक है। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आपने इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शंस हैं।
अब आपको क्वेश्चन नंबर टू नजर आ रहा होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर वन में सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पर नंबर्स थे और यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को नंबर्स में चेंज करना है तो आपने उसके डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना होगा, किसी न किसी तरह डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएंगे, फिर जो आपके पास सिंपल नंबर्स आएंगे तो हम उन्हें क्वेश्चन नंबर वन की तरह सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास 9 क्वेश्चन हैं तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर टू में से कोई से 3 क्वेश्चन कर देती हूँ और बाकी आपके लिए खुद से करनी होगी। और ये याद रखिएगा कि आपको काम जो भी होमवर्क होम टास्क दिया जाएगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि आप खुद से कर सकें, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए घबराना नहीं है, आप बस प्रैक्टिस रखिएगा, एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, लेकिन करना होता है विदाउट एनी हेल्प। ये आप लोगों की फ्रैक्शन लिख ली, तो आपके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो हैं 3 और 4, तो आपने इनका जो एलसीएम है 3 एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों फ्रैक्शंस को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जो कि 3/5 × 15। जब इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5, और जब इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और रेशो 3, तो ये इसकी रेशो आ गई। साथ में आपने क्या किया कि एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिकली उसका नंबर होल नंबर्स में आ गया, और जब आपका आंसर आया था होल नंबर में तो वो नंबर्स ऐसे बन गए कि जिसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर जो कि है आपका 5 2/3 ratio 1/6, इसी तरह मल्टीपल एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2 × 3 6 रेशो का साइन, 1 × 6 × 6 इसकी कटिंग की तो 2 × 2 ratio, यहाँ पे कटिंग की तो 1 × 1 तो 4 ratio 1, ये आपकी फाइनल रेशो हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर देती हूँ, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपके पास एक नंबर होल नंबर में है और एक आपके पास फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है 15/10 और 2, जब आपके पास एक फ्रैक्शन होती है और एक आपके पास रेशो होती है तो आपके पास सिंपली जो है वो आपका जो डिनोमिनेटर वो एक ही है, तो उसी डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 10 × 10 ratio 2 × 10, यहाँ से ये कट गया 4 और यहाँ पे 2। अब ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें 15 और 20 दो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें जो लोअर टर्म करनी लानी पड़ेगी, तो आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 ratio 4 आपकी फाइनल बनेगा। तो आपके लेक्चर में मैंने अभी आपको सिंपली रेशो समझाया और ये इसका आंसर 3/4 हो गया, जो आपको क्लियर वाजी हो गया। तो आपको इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, रेशो को एक्सप्लेन किया, रेशो की मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करना बताया, फिर उसके बाद फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना बताया, और इसके साथ ही आपको रेशो की कुछ डिटेल्स बताई। वो ये कि उसकी फर्स्ट वैल्यू को एंटीसीडेंट, जो सेकंड वैल्यू को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, फिर उसके बाद उसके उसमें यूनिट वैल्यू नहीं लिखी जाती, उनकी ऑर्डर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता एक दूसरे के साथ, और अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज डिक्रीज होंगी, इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज इंक्रीज करेंगे। ये आपके आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसका शॉर्ट सा रिव्यू हो गया। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 1/3, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।